तो भाई इतना टाइम लग गया इधर आने के लिए क्योंकि रास्ते में इतना सारा मतलब हर एक जगह कट, एक कट, दो कट अब लोग को दिखा नहीं पाया हमें क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता अगर ब्लॉग कंटिन्यू करते तो। और जैसे कि मैं मेरे घर के पास से लेता था, मेरे घर में आके डिलीवरी होता था, पर कुछ गलत मैं एड्रेस डाल दिया था जिसके लिए मुझे आना पड़ा इधर। तो ठीक है, कोई नहीं, अभी पार्सल रिसीव करते और चलते उसको ग्लास लगाने के लिए। जैसे मेरा पहला फोन का जो प्रक्रिया हमने किया था वैसे ही सेम इसमें भी होगा। तो ठीक है, चलो पार्सल रिसीव करते। तो एक्सचेंज के लिए जो पहले हमारा काम है वो है ग्लास, इसको निकल देना पड़ेगा। और जैसे आप लोग को पता है मेरा फ़ोन, सब फ़ोन मैं एकदम ओके कंडीशन में रखता हूँ, तो ऐसे भी ये भी था, जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एक जाएगा तभी एक आएगा, टूट ना जाएगा। ये पार्सल मैं गिफ्ट कर रहा हूँ साइन को क्योंकि इतना सपोर्ट किया मुझे फोन लेने के लिए। अनबॉक्सिंग इधर करते हैं या फिर घर में जाके? फिर अनबॉक्सिंग इधर ही करते हैं। अनबॉक्सिंग टाइम फर्स्ट टाइम अपन रोड में अनबॉक्सिंग करेंगे क्योंकि मैं अनबॉक्सिंग इधर नहीं करने वाला था, इसके वजह से अनबॉक्सिंग करना पड़ा। मुँह से सुपारी निकल के बात कर, ठीक है? चाबी चाहिए क्या? ओके, अवश्य अवश्य। तो भाई हियर इज आवर रियलमी जी टी मास्टर एडिशन, रियलमी जी टी मास्टर एडिशन देख रहे हो, मेरा भाई ने ले लिया रियलमी जी टी। मस्त गेम खेलेंगे, फ्री फायर, किसको खेलना है तो स्क्वाड में आ जाओ भाई, हम भी नूब में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जिसको खेलना है आ जाओ, तुम एक बनाओगे हम एक बनाएंगे। मुखेर भाषा का समझो तक पर धीरे धीरे धीरे। ओके ओके ओके, यार इज आवर लेजेंड। अबे देख, वेगन ग्रे ही दिया है ना, ब्लैक अगर दे दिया तो कम पड़ती है। तो भाई गोल बाजार जा रहे हैं हम लोग अभी ग्लास लगाने के लिए, और रास्ते में इतना सारा कांड हुआ ना, मत ही पूछो कितना सारा कांड हुआ। अभी एक लड़की ने आकर हम लोग को रुका दिया था और हम तो डर के मारे, मतलब मत ही पूछो क्या हाल हो गया था हम लोग। हमने सोचा क्या कुछ बोल दिया या फिर क्या, हम लोग कैसे रुका क्यों रहे हैं, वो एक अलग सीन था। मतलब बाइक के बारे में पूछ रहे थे, तो ग्लास आई होप मिल जाएगा, ग्लास मिलता है तो बढ़िया, नहीं मिलता है तो फोन नहीं यूज करेंगे। तो भाई ग्लास फिट हो चुका है, इधर का काम कंप्लीट, अभी दो तीन और काम है वो कंप्लीट करने के बाद घर में मिलते हैं आप लोगों से, कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे, ठीक है? 2000 years later। तो भाई बहुत ही ज़्यादा घूमना पड़ा, लगभग 5 से 25 किलोमीटर के ऊपर हम घूम लिए हैं। और फोन इधर है, अच्छा फोन रियलमी जी टी मास्टर एडिशन जो कि सेल में चल रहा था, तो मैंने पिक कर लिया। ये है 8GB 128 मतलब 128GB का वेरिएंट। और मुझे इस फ़ोन लेने का एक ही ज़्यादा है, इसका चार्जिंग स्पीड मुझे बहुत बढ़िया लगा, 30 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है जीरो से। और इसका 778G प्रोसेसर है 5G। और बाकी तो भाई बहुत सारा कुछ है, आप लोग अगर लेना या फिर देखना तो देख सकते हो। मेरा कहानी था आज का, तो आप लोगों के साथ शेयर करें। बढ़िया फ़ोन है अभी तक मुझे लगा, देखते बाकी कैसा परफॉर्मेंस देता है। इसके अंदर क्या वो दिखा नहीं हो गया, इसके अंदर कुछ पेपर सारा कुछ इसके अंदर चाहिए, ओके, फोन खोलने का वगैरह करने का। और इधर
तो ये 65 वाट का चार्जर जो कि मेरा लैपटॉप का चार्जर 65 वाट का है, इसको अगर पकड़ के किसी के ऊपर मारे तो इजीली हेड कट पड़ेगा और समझ रहे हो। टाइप सी को टाइप सी टू टाइप सी करना चाहिए था अरे बढ़िया रेलवे लोगों ने बनाए उनको क्या पता चला क्या हाँ सब इसका है, ये है मेन चीज़, मतलब बेस्ट डिज़ाइन फ़ोन का या स्टाइलिश फ़ोन का अवार्ड मिला है इसको। वेगन लेदर है पीछे कंप्लीट, तो विदाउट केस आप लोग यूज़ कर सकते हैं और बहुत स्लिम है फोन, देखिए बहुत ही पतला है, हल्का भी है, बहुत कॉम्पैक्ट फोन। ठीक है चलो भाई, बैग के साथ कुछ ऐसा लगता है तो भाई ठीक है, बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल था वीडियो और मैं पोको इशू थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही बढ़िया था फोन, पर ठीक है भाई दिन के साथ अपडेट कर लेना चाहिए और मिलते हैं दूसरे एक दिन साथ, तब तक के लिए।